जीवित पुत्री का व्रत कथा। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था और उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था। लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थी। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की ओजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना भी आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की ओजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना। तब से ही इस व्रत को किया जाता है। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।